मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज के जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन में पार्ट 7 लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेलोसिटी जो कि डिफ्यूजन में हमारे सामने आती हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक गैस फेज हो या फिर लिक्विड फेज हो, उसमें से जब कोई कंपोनेंट हमारा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जाता है, ट्रांसफ़र होता है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। अगर डिफ्यूजन ऑटोमेटिक हो रहा है थ्रू कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो हम उसको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, दिस इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन। और अगर हमें डिफ्यूजन को फास्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फोर्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजिटेटर या अदर मीडिया। हम लोगों ने देखा था कि अगर ऑटोमेटिक हम फिल्ट्रेशन मतलब ऑटोमेटिक अगर हम डिफ्यूजन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा था कोई कंपोनेंट ए और बी है, वो मिक्स करने में हमें 10 ईयर तक का टाइम लग जाता है, मगर फिर भी जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो 85%, 87.5% मिल पाती है, जबकि 28 ईयर्स में भी वो 100% ना होकर 99% होमोजेनियस हो पाता है अगर हम किसी प्रकार के एक्सटर्नल मीडियम का यूज नहीं करते हैं। बट अगर हम एक्सटर्नल मीडियम का यूज करते हैं तो यह सोल्यूशन, होमोजेनियस सोल्यूशन, मात्र 15 सेकेंड में तैयार हो जाता है। ये आपने देखा था। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ हमारे सामने आती है कि भाई बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारे इस तरीके से एक्टिविटी का। तो फाइनली हम डिफ्यूजन पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ गैस मिक्सचर कंटेंस 15% हाइड्रोजन, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% CO2 एंड रिमेनिंग 50% नाइट्रोजन। ठीक, 15 और 30 45 और 5 50, 50 100। फ्लो थ्रू अ पाइप, फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ 1 इंच डायमीटर एट 15 bar, दिस इज द प्रेशर, 15 bar इज द टोटल प्रेशर। कह रहा है कि इफ इफ वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट आर 0.05 m/s, 0.03, 0.02 एंड 0.03 m/s रेस्पेक्टिवली, ठीक, आप समझ गए। एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें 4 कंपोनेंट हैं, ठीक, और उनका कितना कंपोजिशन है ये दिया हुआ है, और उनकी वेलोसिटी कितनी है, सिंपल जो सिंपल वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड निकालते हैं वो आपको पता है। तो कह रहा है कि आपको करना है कैलकुलेट। नंबर 1, मोलर एवरेज वेलोसिटी,
मोलर एवरेज वेलोसिटी। नंबर टू पे आपको निकालना है मास एवरेज वेलोसिटी, मोलर एवरेज वेलोसिटी और मास एवरेज वेलोसिटी। ठीक, आगे दिया है क्वेश्चन में कि ऑल कंपोनेंट्स आर गिवन बाई वॉल्यूम। ठीक, बाई वॉल्यूम में कंपोनेंट दिए गए हैं, मतलब एक तरीके से बाई वॉल्यूम कह सकते हो आप उनको, बाई मोल कह सकते हो। ठीक, मतलब मोल फ्रैक्शन तरीके से दिए हुए हैं। आपको मालूम है जब गैस को हम आइडियल गैस मान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और उनको बाई मोल से बाई परसेंटेज, प्रेशर परसेंटेज, बाई मोल परसेंटेज मान सकते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है। हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 15% है, CO है वो 30% है और CO2 है वो 5% है और नाइट्रोजन जो है वो दिया है 50%। ठीक, तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालें, स्मॉल एक्स निकालें तो 0.15 हो जाएगा, 0.15, 0.30, 0.05 और 0.50। इनकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में वो हम निकाल सकते हैं। पॉइंट 0.05 मीटर पर सेकंड, 0.03 मीटर पर सेकंड, 0.02 मीटर पर सेकंड और 0.03 मीटर सेकंड। ठीक, इन्हीं का यूज करेंगे, आप इनको याद रखिएगा। तो पहला मुझे निकालना है एवरेज मोलर एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो मोलर एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? सिंपल मास फ्रैक्शन और सिंपल वेलोसिटी, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए और सभी पार्टिकल का सम कर लीजिए, जो चारों गैसेस सबका सबके लिए सम कर लीजिए। तो जो मास फ्रैक्शन है, पहला वाला हमारा हाइड्रोजन का और वेलोसिटी ले लो हाइड्रोजन की, ऐसे ये हो गया CO का और वेलोसिटी ले लो CO की। हमारा जो कंपोजिशन ले लो किसका? CO2 का और वेलोसिटी ले लो CO2 की। प्लस नाइट्रोजन का और वेलोसिटी ले लो नाइट्रोजन की। क्लियर है? सबका मोल फ्रैक्शन ले लीजिए 0.15 इंटू 0.05 प्लस 0.30 0.05 0.02 0.50 0.03। आप इनको सॉल्व करोगे तो 0.0325 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है और अगर आप सिंपल वेलोसिटी आपको पता है तो ऐसे केस में आप उनकी मल्टीप्लाई करके और सबका समेशन करोगे तो आपको मोलर एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक,
अगर आपको चाहिए मास एवरेज वेलोसिटी, दूसरा पार्ट आपको चाहिए नंबर दो पे मास एवरेज वेलोसिटी। आपको मालूम है कि अगर मोल फ्रैक्शन और वेलोसिटी दी हुई है, तो अगर आपको मास करना है तो मास कैसे मिलता था, मोल नंबर ऑफ मोल में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था मॉलिकुलर वेट से। तो हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज का मॉलिकुलर वेट से हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या करेंगे मॉलिक्यूल वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट मॉलिक्यूल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड नहीं मिलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको बनाना पड़ेगा। देखो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड बी की, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, है ना। क्या यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बी चाहिए ऊपर, तो नीचे एक्स आई और एम आई, ये बनेगा फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास एवरेज वेलोसिटी, बी मास और एवरेज। चलिए तो इस केस के लिए एक्स आई बी आई एम आई बटे एक्स आई और एम आई सभी कंपोनेंट के लिए समेशन। तो पहला कंपोनेंट है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए पॉइंट 1.5 वेलोसिटी, 0.05 और मॉलिक्यूल वेट होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूल वेट होगा 2, H2 है समझ, तो मॉलिक्यूल वेट होगा 2। प्लस CO के लिए CO के लिए 0.30, 0.03, 0.03 इंटू CO का होता है 12 और 16 28, होता है। फिर इसी तरीके से तीसरा कंपोनेंट CO2 है, तो 0.05, 0.02 और 44। प्लस नाइट्रोजन के लिए तो 0.5 इंटू 0.03 और नाइट्रोजन के लिए होता है 28। और नीचे एक्स आई एम आई का है, तो 0.15, 2, 0.30, 28, 0.05, 44, 0.50, 28, ठीक। ऊपर सॉल्व करो इतना आएगा 24.9, ठीक। इनको हम सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करिए, डिवाइड करिए। आपके लिए इंडियन ऑयल में किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। 0.731 डिवाइड बाई 24.9 0.02935, ठीक। तो अभी तक आपने सिर्फ इस लेक्चर से एक बात समझी कि सर अगर हमें सिंपल वेलोसिटी पता होगी और मोल फ्रैक्शन पता होगा, और मुझसे अगर मोलर एवरेज वेलोसिटी निकालने का बोलेगा तो मैं एक्स आई बी आई इसका समेशन निकाल दूंगा, अगर मास एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो एक्स आई बी आई और एम आई बटे एक्स आई
और एम आई, ठीक, ये दो फार्मूले मैं लगा के चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा, समझ गए। चलिए कुछ हम डेफिनेशन और पढ़ते हैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। पहली डेफिनेशन है मोल ट्रांसफर रेट। हम यहां पर डेफिनेशन पढ़ेंगे मोल ट्रांसफर रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल ट्रांसफर रेट? मोल ट्रांसफर रेट क्या है? मोल ट्रांसफर रेट में हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल जो हैं पास होते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में। जैसे हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक, यूनिट क्रॉस सेक्शन है। अभी हम एरिया फोकस नहीं कर रहे हैं कितना एरिया है, हम सिंपल ये पता कर रहे हैं कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ मोल हमें ट्रांसफर हो रहे हैं जिस स्पेसीज की, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हम करेंगे। तो उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? हम उनको मोल ट्रांसफर रेट बोलते हैं। तो लिखिएगा, अब जब हम एरिया को ले लेंगे, दिमाग को रखेंगे, एरिया को साथ में लेंगे, तब वो मोल मोलर फ्लक्स हो जाएगा। तो लिखिएगा मोल ट्रांसफर रेट, लिखिएगा इट इज डिफाइन बाई ट्रांसफर रेट ट्रांसफर बाई मोल अक्रॉस ए प्लेन इन पर यूनिट टाइम, ठीक, किसी भी प्लेन के अक्रॉस पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ मोल ट्रांसफर हो रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रांसफर रेट बोलते हैं, मोल ट्रांसफर रेट बोलते हैं। मोल ट्रांसफर रेट को हम कैपिटल एन से दिखाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल जो मोल ट्रांसफर हो रहे हैं वो स्पेसीज ए के हैं तो उसको हम मोल ट्रांसफर रेट ऑफ ए बोलेंगे, एन ए बोलेंगे। अगर वो नंबर ऑफ मोल जो है बी के हैं तो उनको मोल ट्रांसफर रेट ऑफ बी बोलेंगे। जो मोल ट्रांसफर रेट है हम उसको दिखाएंगे कि कितने टाइम में वो पास हो रहे हैं, और नंबर यहां पर ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल कितने हैं, समझ गए बात। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ ए यहां लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन ए से दिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए को स्मॉल एन ए दिखाएंगे और टाइम को इस तरीके दिखाएंगे, ठीक। एन बी में जी हमारा एन बी हो जाएगा अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ट्रांसफर रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं और ट्रांसफर रेट को हम कैपिटल एन से दिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से दिखाएंगे। अगर ए के हैं तो हम एन ए बोल देंगे, अगर बी के हैं तो हम उसको एन बी बोल देंगे, ऐसे सी के होंगे तो उनको एन सी बोल देंगे। अब बात आती है सर यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल की यूनिट कितनी है? तो मोल 40 मोल 50 मोल ऐसे होती है, और इसकी यूनिट होती है सेकंड, ठीक। तो इसकी यूनिट बनती है मोल पर सेकंड, समझ गए बात। तो कोई भी प्लेन है हमारे सामने, वो प्लेन से इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब मोलर फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर फ्लक्स? अभी मैंने बोला कि एक प्लेन है हमारे सामने और उस प्लेन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं,
बट अब हम जो बोलेंगे प्लेन तो है, बस उसका एरिया कितना है, बात समझे? तो हम यहाँ पर एरिया को भी लेंगे, और जब हम एरिया को सामने ले लेंगे तब वो मोल ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अक्रॉस द प्लेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, यूनिट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेगा, पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम मतलब सेकंड, दिस इज द यूनिट। फ्लक्स ऑफ स्पीसीज ए, अगर इसको हम बोले तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फ्लक्स ऑफ मोल ट्रांसफर रेट है वो तो है ही, बस खाली नीचे एरिया आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो एन ए अपॉन एरिया आ जाएगा। एन ए का डिफाइन था कि एन ए अपॉन टी अपॉन ए, तो हम इसको एन ए अपॉन ए एरिया या फिर स्मॉल एन ए अपॉन टी इन टू ए ऐसे बोल सकते हैं। और फ्लक्स को हम दिखाएंगे आई से। ठीक, आप याद रखिएगा, अगर हम मोलर फ्लक्स बोल रहे हैं इसका मतलब हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल आई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, यानी नंबर ऑफ मोल ट्रांसफर फ्रॉम अ प्लेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ए मोलर फ्लक्स हम स्पीसीज बी के लिए लेते हैं, तब एन बी बटे एरिया इस तरीके से काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि आपको मालूम होगा हम आपको कई सब्जेक्ट में इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी ये हमारी परंपरा है कि जब भी इसको शुरू करेंगे तो हम बताएंगे। कंसंट्रेशन को दो तरीके से हम दिखाते हैं, एक सिंपल कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन जो मोलर कंसंट्रेशन होता है इसका मतलब आपको नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ही लेना है। इस कंसंट्रेशन को हम मोलर डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोलर डेंसिटी। ठीक, और जो सिंपल डेंसिटी होती है इसको क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी, एम अपॉन वी। और मोलर डेंसिटी को दिखाते हैं हम रो एम से, जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज जो नंबर ऑफ कितने मोल हैं अपॉन वॉल्यूम, इस तरीके से लेते हैं। अगर हम मोलर डेंसिटी को हम किस दिखाते हैं? रो एम से दिखाते हैं। अगर हम रो एम और ए लिख दें, इसका मतलब मोलर डेंसिटी ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इस तरीके से हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जो एन अपॉन वी है वो मोलर डेंसिटी है, और मोलर डेंसिटी को हम सिंपल कंसंट्रेशन से भी कहते हैं। अगर ये कंसंट्रेशन से कहते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन ए का है इसलिए इसको हम सी ए बोल सकते हैं, कैपिटल सी ए, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिंपल मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सर इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब, या फिर मोल पर लीटर, लीटर आल्सो अगेन आल्सो ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट यूनिट ऑफ मोलर डेंसिटी आर कंसंट्रेशन इज मोल पर मीटर क्यूब और मोल पर लीटर। चलिए एक टर्म और पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको बोला कि अगर हम किसी रूम में बंद हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, एक कोने पर अगरबत्ती जला देंगे, धूपबत्ती जला देंगे, इंसेंस स्टिक जला देंगे, तो क्या देखेंगे? थोड़ी देर में खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। चीजों के अगर सिंगल फेज के बारे में बात करें स्पेशली, तो वहां पर
किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओनली बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। देखिएगा, CA1, CA2, ये पहला पॉइंट है जहां पर कंसंट्रेशन CA1 है, दूसरा पॉइंट है जहां कंसंट्रेशन CA2 है। तो अगर हम देखें, हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने, यहां पर रेफरेंस पॉइंट माने 0 0, तो यहां से अगर ड्रॉप करें हम डिस्टेंस को, तो क्या देखें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो Z1 है और यहां डिस्टेंस Z2 है, ठीक। और एक कंसंट्रेशन हमारा इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन CA1 है और दूसरे पॉइंट पर कंसंट्रेशन CA2 है। तो जो डेल्टा C कितना है, कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है, तो CA1 माइनस CA2, ठीक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर CA1 ज्यादा है CA2 से, तो समझ गए बात। ये बात आपको समझ में आती है, बट हम जो कंसंट्रेशन डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला लेते हैं। और आपको मालूम है कि CA2 कम है CA1 से, तो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट डिस्टेंस, पर तो लगा दिया, डिवाइड कर दिया, और डिस्टेंस, ठीक। कंसंट्रेशन डिफरेंस को CA2 माइनस CA1 कहेंगे, जहां आपको मालूम है कि CA2 ज्यादा नहीं है, कम है, और बाद वाले डिस्टेंस माइनस पहली बार डिस्टेंस, यानी CA2 पर डिस्टेंस कितनी है और CA1 डिस्टेंस, दोनों डिफरेंस लेंगे। ये फार्मूला हमारे सामने निकल के आता है, CA2 माइनस CA1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक, CA2 माइनस CA1 Z2 अपॉन G1। इसको हम माइनस DCA अपॉन DZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिजिकली मीनिंग देखा जाए तो यहां पर हम इसको फिर CA1 माइनस CA2 ऐसे रखें, ठीक। डेल्टा C इक्वल टू CA1 माइनस CA2 ये होता है, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो माइनस DC अपॉन DZ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट वन से पॉइंट टू पर जो गैस का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, ट्रांसफर होगा, मॉलिक्यूलर ट्रांसफर होगा, डिफ्यूजन एडी डिफ्यूजन होगा, तो इन दोनों केस में क्या है, जो ट्रांसफर कितना तेज हो रहा है, जो हमारा मोलर ट्रांसफर रेट है या फिर मोलर फ्लक्स है, ये दोनों कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं माइनस DC अपॉन DZ पे, इसके फंक्शन होते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना तेजी से हमारा मास ट्रांसफर होगा, ठीक। मतलब एक मीटर डिस्टेंस है, पहला केस जो मैं समझाता हूँ अपने तरीके से, पहला केस में एक मीटर डिस्टेंस है और जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो यहाँ पर 20 मोल पर लीटर का है। दूसरे केस में मीटर डिस्टेंस है पर 40 मोल पर लीटर है, यानी यहाँ पर ट्वाइस है, दोगुना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर रेट भी दोगुना होगा।
आप देख रहे हो कि माइनस डी सी ए अपॉन डी जेड है, माइनस लगा हुआ है डी सी ए के आगे। क्यों लगा है? क्योंकि डी सी ए की वैल्यू खुद में नेगेटिव होती है, डी सी ए की वैल्यू खुद में नेगेटिव होती है, और नेगेटिव जब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपका जो नेगेटिव साइन एनकाउंटर हो जाएगा और पूरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो वैल्यू है सी ए, ये वैल्यू क्या है? देखो यहां पर जो मीनिंग है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है जो फिजिकली समझने के लिए है कि कितना कितना डिफरेंस है, बट जब हम बात करते हैं फोरियर लॉ की, जब हम बात करते हैं फिक्स लॉ की, जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, जब हम बात करते हैं एनीथिंग, तो वहां पर जो हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, हम वहां बात करें तो जो सी ए लेते हैं, सी ए वो हमेशा सी ए टू माइनस सी ए वन ही होता है, ये वाली वैल्यू होती है, समझ गए? इसका नेगेटिव जब वैल्यू कम ज़्यादा होगी तभी तो फिर ये माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए माइनस, मालूम इसकी वैल्यू आ गई माइनस दस, डी से अपॉन डी एड की वैल्यू आ गई माइनस दस, ठीक है, माइनस दस, और माइनस पहला का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली जो कंडेंसेशन ग्रेडियंट है वो तो यही होगा ना भाई, एक मीटर में कितने मोल का डिफरेंस आ रहा है कंडेंसेशन डिफरेंस, तो आप पॉजिटिव बताओगे, माइनस दस तो बोलोगे नहीं। माइनस दस से दिखाता है कि भाई आगे बढ़ने पर डिस्टेंस के साथ कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको समझिए दोबारा से, डी सी ए अपॉन डी जेड का मतलब है कि सिंपल सी ए टू माइनस सी ए वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक, जेड टू वो ज्यादा है जेड वन से तो नीचे की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सी ए टू कम है सी ए वन से यानी ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, समझ गए? तो नेगेटिव जो वैल्यू इस तरीके से निकल के हमारे सामने आती है। डी सी ए का मतलब ये है, डी सी ना डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन, सी ए टू माइनस सी ए वन, एक लाइन लिख लो यहां पर, लिखो नोट, लिखो इट्स हैविंग नेगेटिव साइन, इट्स हैविंग नेगेटिव साइन, इट्स मीन्स कंसेंट्रेशन इज डिक्रीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ साथ जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे हम कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तभी फिर मास ट्रांसफर होगा, अदरवाइज मास ट्रांसफर ही नहीं होगा, अदरवाइज डिफ्यूजन ही नहीं होगा, अदरवाइज मास ट्रांसफर रेट हमें मिलेगा ही नहीं, हमें फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, समझे आपको? नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कुछ रिलेशन समझाएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकेंड लॉ, ये चीजें पढ़ेंगे, फिर हम कुछ प्रूफ वगैरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये एप्लीकेशन हमारे केमिकल ग्रुप पे अवेलेबल है सारा कंटेंट, हम आपको 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाते हैं, किसी भी स्टूडेंट को हम 3 मंथ के अंदर रेडी कर देते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। हमारी पूरी फीस तैयारी की मात्र 7,500 से भी कम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुरंत क्लास को ज्वाइन करें। पूरे इंडिया से 1200 ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे अप्रेंटिस करना हो, चाहे जॉब करना हो, अप्रेंटिस के बाद प्रमोशन के लिए पढ़ना हो, नॉलेज के लिए पढ़ना हो, रिसर्च के लिए पढ़ना हो, अकेडमिक में डिप्लोमा में हो, बीएससी में हो, बीटेक में हो, या बिट्स पिलानी, किसी से भी आप डिस्टेंस से पढ़ रहे हो, इन सब के लिए कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें। देखो अगर आप 1 साल सिलेक्शन लेट होता है तो ऐसे मान चलो कि आपका 30 लाख का नुकसान है कम से कम, है ना, तो आप लोगों को चाहिए क्लास को ज्वाइन करो, इससे किसी भी कंडीशन आपको पश्चाताप ना हो। नंबर दो, हम आपको नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, हमसे आप पढ़ोगे तो नॉलेज आपकी बहुत ही सुपर नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ये आपको फील होगा और हमारे इस लेक्चर से आपको फील हो गया होगा। हम आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाते हैं और फिर बड़ी चीज़ों को ले आते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए केमिकल गुरु, यहाँ पर टेक्निकल हम पढ़ाते हैं, और नॉन टेक के लिए हमारा एप्लीकेशन है IIC।